आइएगा। ताली बजाने से और जयकारा लगाने से जीवन में अपने को क्या क्या मिल जाता है, आइए मैं सुनाता हूं एक किस्से के माध्यम से। ओ बुआ जी आज भी ए मुंडो सुजड़े रे से कदी मुस्कुराओ भी जो भाई बुआ जी हरिओम। ये बीच बीच में आपको हंसाने के लिए प्रयास है ताकि आपके श्री मुख पर हंसी आ सके। आपको अगर मैंने रहुश कर दिया कहीं लेर भागोला थे मैंने कहीं लेर भागोला मैंने फिर हमारे साथ डांस करो बैठो एंजॉय करो थोड़ा सो हाँ और सबका चेहरा फिर मुस्कुरा भगवान आपके सभी चार चेहरा पर हमेशा यही मुस्कुराहट रखे। ताली बजाने से जयकारा लगाने से जीवन में क्या क्या मिल जाता है ये मैं कॉमेडी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक गांव के मायने जी एक तो मतलब नात्या की मां मारी काकी नात्या की जी जी एक छो नात्या को दादो और एक छो नाथियो अरे यार दादा तो मुंडा भी मिल रहे चलो नात्या सु भाई जी धन्यवाद आता रिजो थे बहुत दिन बाद देख रही हूं मैं। हरिओम श्री राधे राधे क्यों भाई लक्ष्मी माता बहुत दिन बाद तो नाथ्या की जी जी शंकर भगवान की परम भगत नाथ्या की जी जी और नाथ्या को दादो भी परम भगत शंकर भगवान और नाथियो भी परम भगत कोड़े चेते का मुंडो दिखाता रो अरे 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 खड़ो रे एक बार ओ भाया खड़ो खड़ो कर छोटा रिचार्ज खड़ो कर खड़े जरा गुलगुला अरे राम ये देखो ये बाबा की असीम कृपा से हैं थाका काका को छोरो छे श्री राधे श्री राधे तीनों परम भगत आप लोग चालते रहो यहीं। सबसे पहली नाथिया की जीजी सुवारे चार बजे उड़ती सुवारे को टेम चिड़ा चिड़क लगी चिड़कता नाथिया की जीजी आती गाय ने चारों पटकती गाय रंबाती और नंबर आतो नाथिया की जीजी को दूध काट बको और एक राम सागर के मायने एक लोटिया में दूध भर और नाथिया की जीजी शंकर भगवान का चरणाम में जाती आपका अंदाज के मायने कहिया ढोलक वाले भैया का आशीर्वाद चाहूंगा। नाथिया की जीजी मायने जाती घंटी बजाती घंटी बजता ही गाय माता को दूध अर्पण करती और अर्पण करता ही नाथिया की जीजी शंकर भगवान से आपका अंदाज में बात करती है आपकी मन की बात अपनी मन की पीड़ा कहती शंकर भगवान से कहिया शंकर भगवान डोक दीचो बड़ा नाथ आपके जन्म तो हमारा जीवन सु अच्छा बाप कणा का परणाई मनखा का रांद्र तो ने वहां पर बेटा हे भगवान मारी भी सुन ले। और ये जो बार बार कहते ना हाथ खड़ा करो जयकारा लगाओ ये कौन बोले बाबू गुस्से जी हम हाँ हाँ बेटे बाबा की छाया जैसे बोलिए ने हाथ उठाओ आदेश आदेश गुरु महाराज का आदेश भगवान का भगवान का श्री चरणा का मायने नाथिया की जीजी आपका अंदाज का मायने आपकी मन की बात कहती भगवान मारी विष्णु आती है किम्मत तो अहिया बोलती बोलती आती थोड़ी देर में आतो नंबर नाथिया का दादा को ये मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं पर नाथिया को दादो खाट मार से खड़ो खड़ो होते तो खांस तो कहीं भगवान नगपत नाथ मोत्याला भोला नाथ
आया करता करता नाता राम सागर का माने जड़बरता ना जाओ डोगरो भी पहुंच जाओ तो शंकर भगवान का चरणा में और ना जाओ डोगरो भी मंदिर में चार घंटी बजा तो और ना जाओ डोगरो आपका अंदाज में स्टार्ट भगवान बोला नाथ थारे दो दो सेशन कट कराऊ ले भगवान मारी सुन ले एक बार मन की पूरी कर दे फिर कतराग दिन और रंडे वही करो ना चाल फिर जो सुन ले बाबा थोड़ी देर के माने नंबर आ तो नाथिया को नाथियो भी बोला नाथ को परम भगत सेवक गायक कलाकार उन्हें भी गाना गाबो को शोक तो वो भी आपका मन का पूरा भाव के साथ खेत में जातो आंख धतूरा तोड़ बिल पत्र तोड़ भोलानाथ का श्री चरणा में जातो और कहीं कहीं हाजिर लगा तो बाबा के सामने हो आत्मा साथ एक साथ आत्मीयता के साथ लगाई हुई भगवान की अरदास कभी खाली हाथ नहीं जाती। जब इंसानों के बनाए हुए मोबाइल से अगर आप मैसेज भेज सकते हैं तो परमात्मा का व्हाट्सएप तो इतना बड़ा है कि आपके मन की भावनाओं को अपना आप ही समझता है। बस ये फर्क है कि हम उन्हें नहीं देख सकते लेकिन वो जगत का पिता है, हम सबको देखता है, हम सबका ख्याल रखता है। यही परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा। आइएगा एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। राधे गोविंद कृष्ण भगवान की उन्हें बरसाने वाली राधा रानी जय हो। भूलो ना कैसे भी समय हो मेरे परमात्मा बस सदैव अपने श्री चरणों में रखना। और देखिए मैं जीता जागता उदाहरण हूँ माता बहनों, ये किसी पिक्चर के डायलॉग नहीं सुना रहा हूँ, वो मेरा कर्म है आप लोगों को हंसाना, लेकिन ये सत्यता बोल रहा हूँ। ये कलाकार भाई अच्छे से समझ सकते हैं मेरी भावना को। बहुत सारी परीक्षाएं सबको देनी पड़ती हैं, उसमें से सब आते हैं, छोटा बड़ा परीक्षाएं अलग अलग हो सकती है, देनी सबको होती है। तो आइए आइए यहाँ भी परीक्षा हुई एक माता पिता की और उनके बेटे की। तो बेटा कैसे अरदास लगा रहा है नाथिया भोलेनाथ के श्री चरणों में जल चढ़ाने के बाद? भूलो ना भूलो ना भूलो कभी नाम तुम्हारा तेरे चरणों का। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। जब मैंने कॉमेडी की तो आप सब हंस रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, लेकिन जब भगवान का भजन जो आपको ज्ञान देता है, आपको जागृत करता है, तो आप मौन हो रहे हो। यहाँ पर तालियां बजाइए, यहाँ पर दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ से आपका जीवन बदल सकता है। तू ही मेरा सच्चा साथी, तू ही एक सहारा। Thank you.
लगा तो ना त्यों भी शंकर भगवान का चरणों में जल चढ़ा देता हूं और भजन सुना देता हूं। माता बहनों, दिन गुजर गया, रात गुजर गई और कई साल बाद शंकर भगवान के जची बोला, आज तो पृथ्वी लोक माने चालू अपना सभी भक्तों ने वरदान दे रहा हूं। सारा भगत परेशान हो रहा और जिये शंकर भगवान प्रकट है पहला गया तो गेला के माए ने मातेश्वरी माँ जगदम्बे भवानी पार्वती शंकर भगवान से खेबे लगी कि भगवान आज एकलाई कोड़ी चलिया। तो शंकर भगवान खेबे लग गया, पार्वती जी आज मैं अपना भक्तों के माए ने वरदान दे बेचारी छू, जाति टेम मड़े टोको मत। पार्वती जी कर लिया जिद, तो शंकर भगवान खेबे लग गया, पार्वती जी ले तो चालू ला। भाई साहब एक मिनट बैठ जाओ आप, ओ कैटरिंग मास्टर, अरे बैठ जा रे भैया, मन ध्यान छे, तारी पुरस्कारी बहुत तगड़ी छे बेटा, वो पी लेंगे, आप पी सकते हो ना, इससे आदरणीय। देखो यार, को कप पकड़ वो स्टाइल देखो, जब पार्टी में घूम रहा हो, ऐ तालियां बजाओ यहाँ के लिए, जोरदार तालियां बजाओ। अंदाजे बया, शंकर भगवान पार्वती जी ने खेबा लग गया, पार्वती जी ले तो चालू ला, पर गेला में डिस्टर्ब मत करना। बोला भगवान कौन करूं लेट चालू, और शंकर भगवान पृथ्वी लोक माला आप लग गया। गेला के मायने एक संत मिलो तो संत ने वरदान दे दिया, एक पंडित जी मिले वहां ने वरदान दे दिया, किसान मिले किसान ने वरदान दे दिया, महाजन मिले महाजन ने वरदान दे दिया, राजा मिले तो राजा ने वरदान दे दिया, रंक मिले तो रंक ने वरदान दे दिया। भगवान बोला नाथ आपका सभी भक्तों ने वरदान देता देता आ रहा। पार्वती जी देख रही और जिया ही पार्वती जी और बोला नाथ नाथिया की गुआड़ी मारे से गुजर लग गया, तो शंकर भगवान सीधे ही जाबे लग गया। माँ पार्वती खे पे लगी, भगवान यो का अन्याय यानी भी देखो कहीं मुंडा फाड़ रहा, इनको भी दो। शंकर भगवान खेबे लग गया, पार्वती जी बताने पहली खे दिए जो कि मने डिस्टर्ब मत कर जो। बोला डिस्टर्ब नहीं महाराज, याने दियो नहीं दमन, कारण बताओ। बोला कारण कौन बताओ, नीचे चाल तमाशो देख। और उसी टाइम पर शंकर भगवान नाथिया की गुवाड़ी में प्रकट हुआ। प्रकट होता ही खेबे लग गया, मांगो रे भक्तो, तीनों में से एक जनो कोई भी वरदान मांग लियो, एक बार के मायने एक नहीं देऊंगा। तो नाथिया की जीजी अचानक आर उछल पड़ी और शंकर भगवान ने देखता ही खेबे लगी, अरे बाण क्या शंकर भगवान आगा, अरे सा जाएगा बोला ना दादा गंगा नदी बेरी माता जी, अरे बागी खुलगा। हे भगवान पहली मने ही वरदान देना, ये बाप और बेटा ने मत दीजिए, धोनी का धोनी बाप कड़ा मूसल मारी छाती कुटा हुआ, पहली मने ही देना भगवान लेडीज फर्स्ट। शंकर भगवान खेबे लग गया, मांग बेटा तने काई वरदान चाहिए। तो नाथिया की जीजी शंकर भगवान से वरदान मांग बे लगी कि भगवान बोला नाथ मने शो वरदान दियो बना दियो जी फिल्म की एक्टर ने दीपिका पादुकोण। शंकर भगवान खेबे लग गया, तथास्तु बोलता ही नाथिया की जीजी को रंग रूप चेंज है गो। देखता ही जी जगह नाथिया की जीजी फटेला गाबिया के मायने जी गए मेला कुचेलम में, उन्हें चमकना चमकना कपड़ा उगारू की शक्ल दीपिका पादुकोण की जी आएगी। जीजी के दांत दीपिका पादुकोण बनता ही नाथिया को डोकरो राज्य को, और नाथिया को डोकरो राज्य ताई खेमा लगे, ओ भाई बोला नाथ आज सुने भाई शाम राम बोला नाथ काई रोमन काई रूप दियो से नीचे उतर, क्योंकि नाथिया की जीजी रूप रंग चेंज होता ही डागण मल चढ़ गई।
नात्या को बाप नात्या के साथ नीचे से देख रहे हो। आपकी रंग रूप चेंज हो एड़ी बींदनी ने देखता ही नात्या को बाप खेपे लगे। आपका अंदाज में ध्यान दे मावली रंग रूप चेंज होता है मारे बेटे की डागल मारे छड़की। अरे नीचे उतर मार ये चलन रोटी पानी बनाए भूखा मर रहे। और नात्या की जीजी रंग रूप चेंज हुई दीपिका पाते गुण बड़ेड़ी नात्या का बाप की बातें सुनता ही नात्या का बाप से खेपे लगी। एक्सक्यूज मी कौन है आप लोग? मैं आपको नहीं जानती, प्लीज यू कैन गो। नात्या को नौकर के बोला के बावड़िया की कहीं निका देखता रहो बींद छूमे। और नात्या की डोगरी फेर खेपे लगी रंग रूप चेंज हुई। एक्सक्यूज मी लीव मी अलोन प्लीज प्लीज यू कैन गो आउट। नात्या को बाप खूब समझाया लेकिन नात्या की जीजी रंग रूप चेंज हुई कौन मानी। तो नात्या को बाप उसी टाइम पे शंकर भगवान ने याद कर खेपे लगे कि भगवान भोलेनाथ मने भी दर्शन दे। और उसी टाइम पे शंकर भगवान फिर प्रकट हुआ और नात्या का बाप ने देखता ही खेपे लगा मांग भगत तने का चाहिए। तो नात्या को बाप शंकर भगवान ने देखता ही खेपे लगे बाबा बोला ना मना शबरदान दे हमारी बेंदड़ी छन्ने इसको अपार की अपार हैंड टू हैंड बकरी बना दो। शंकर भगवान खेपे लगे तथास्तु। और जी जगह नात्या की जीजी रंग रूप चेंज हुई दीपिका पादे कुंड बन खड़ी जी ऊंडे बकरियां कर बेंजी मींगड़िया कर बलाई। नात्या को दादो गुस्सा के मायनो हो तो चतल को थड़ी मारे गो जी खेल बे गांव का इंटरनेशनल गेम गो जी। और नात्या की जीजी बकरी बनेड़ी नात्या के चारों मेर चक्कर काट रही। नात्या के समझ में कौन आ रही अब मारी मां दीपिका पादे गुण लाग रही थी वरदान मांगता ही और ये डोगरो का ही वरदान मांग लियो ये बकरी बनेगी। शंकर भगवान नात्या की परीक्षा लेबा का चक्कर में मां पार्वती की तरफ इशारो करिया और अचानक अदृश्य होगा और अदृश्य होता ही नात्या के पिस्टन चालू होगा नात्या दुखी होगा रोबर लागो। आपकी मां की हालत में देखता ही टलक टलक की आंखें में आंसू आया कि काई वरदान मांग लिया पहली छा जे सही बढ़िया छा या काई ना टकेगा। तो रोतो रोतो शंकर भगवान अदृश्य होगा तो नात्यो ने रिजाबा पे काई गावे लगो भोले ना भोले ना दर्शन दे दुख हर ले ये क्या गर्व हो गया तू मेरी मदद है तेरी महिमा हकीकत है रोतो रोतो शंकर भगवान ने याद कर मुझको तू दर्शन दे दुख हर ले मुझको तू दर्शन दे दुख हर ले मेरी कथाओं को तू निगलित कर दे दिल को ठिकाने दे नन को तू आए दे मेरी कथाओं को तू निगलित कर दे। रोतो रोतो शंकर भगवान ने याद करियो शंकर भगवान ने आई दया और शंकर भगवान फिर प्रकट हुआ। शंकर भगवान प्रकट होता है खेवे लगे मांगो रे भक्तो
थाने काए वरदान चाहिए तो नाथ जो रोतो रोतो शंकर भगवान से वरदान मांगबे लागयो कि भगवान बोला नाथ मने शो वरदान दो या जो मारी जीजी पहली जशी छी इने वशी की वशी बना दियो। शंकर भगवान खेबे लागे तथास्तु और तथास्तु बोलता ही ना क्या कि जीजी आपका रूप के मायने आ गया। शंकर भगवान से गेला के मायने पार्वती जी छोटो सो प्रश्न पूछबे लगी कोड़ी जा रही है दल चेंज कौन करे ना इंडी सू ये नाथा का दादा मां का काका जी से आका कई के समारा नॉलेज ले मैं यहाँ की गोदी का मायने खूब बार मुतेड़ो छो छो हरियो सभी मुतेड़ा छे में कोई बड़ी बात तो छे बचपन तो सभी झेल लेला मैं पोटी के लिए तो कौन बोलियो हरियो। शंकर भगवान से मां पार्वती वे जो शब्द जब आप लोगों ने हसाबा के लिए जा लेकिन ये शब्द आपने जगह पर भी छे गेला के मायने शंकर भगवान से मां पार्वती पूछने लगे हे भगवान भोलानाथ ये आपकी कहिया की माया कि ये था से मांगिया भी ये था से पाया भी ये था से लिया भी थे या दिया भी लेकिन फिर भी कारण बताओ ये था कि देरी चीज ने क्यों ना भोग पाया वर्ष रीजन कारण क्या है। तो पार्वती जी ने शंकर भगवान के बोले गया कारण खास कौन है कारण यो छे पिछला जन्म के मायने ये खूब मारी सेवा करेड़ा थारी खूब सेवा करेड़ा सारा अच्छा कर्म करेड़ा बोला भगवान फिर कोड़े कमी रहेगी बोला कमी एक ही जगह रहेगी कि जब भी बस्ती माता के द्वारा बाबा जी का आदेश के मारे भक्तों के द्वारा जागरण हुई हो बस्ती का मायने तो सारा का सारा बस्ती का माता बहन सारा बुजुर्ग सारा भाई लोग सारा टावर भगवान की ताड़िया बजाता भगवान का जयकारा लगाता लेकिन ये तीनों माँ बेटा जयकारा कौन लगाता ना त्या की जीजी व्हाट्सएप चलाती ना त्या का डोगरा पबजी खेलता और ना त्यो भी इंस्टाग्राम वाले लाग रहे हो तो जो गलती ना त्या का परिवार से वो अपना परिवार से नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ खोल दीजिए पूरी आदमी तक 1 2 3 4